नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टेट्यूट्स के बारे में, और इसमें हम देखेंगे कि आखिर स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन कहते किसे हैं। फिर हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टेट्यूट्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर इस कंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ केस लॉज। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ हम आपको एक बात और बता दें कि जो लोग लेक्चरर के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं, या ये कहें कि जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हमने अपना दूसरा यूट्यूब चैनल चालू करा है यूजीसी नेट क्लासेस के नाम से, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अगर आप लोग भी लेक्चरर बनना चाहते हैं या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उस चैनल को एक बार ज़रूर देखें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टेट्यूट्स, ये कहें पीनल लॉज। दोस्तों, इसमें हमें दो चीज़ें समझनी है, पहले स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन और दूसरी चीज़ है पीनल लॉज या फिर पीनल स्टेट्यूट्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन से, और इसमें भी हम सबसे पहले समझते हैं आखिर कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, क्योंकि अगर हम कंस्ट्रक्शन समझ गए तो हम स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल लॉज बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो समझते हैं पहले कंस्ट्रक्शन, आखिर कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। कंस्ट्रक्शन इज अप्लाइंग टू फाइंड आउट द जनरल एंड सिंपल मीनिंग ऑफ स्टेट्यूट। दोस्तों, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट की इंट्रोडक्शन की जब हमने वीडियो बनाई थी, तो हमने उसमें बताया था कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। बेसिकली इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन लगभग सेम ही होते हैं। जब किसी एक्ट या किसी स्टेट्यूट में कोई पर्टिकुलर वर्ड, या ये कहें कोई भी टेक्स्ट अनक्लियर होता है, कंटेस्टेड होता है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग बताने के लिए उस स्टेट्यूट को या उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ताकि के उस स्टेट्यूट, उस लॉज या उस टेक्स्ट की एग्जैक्ट मीनिंग हम लोगों के सामने आ सके। तो ऐसे ही जब किसी स्टेट्यूट में या किसी लॉज में कोई वर्ड, या ये कहें कोई टेक्स्ट अनक्लियर है, तो उस वर्ड की जनरल और सिंपल मीनिंग अप्लाई करना, या ये कहें फाइंड करके अप्लाई करना, कंस्ट्रक्शन कहलाता है। कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंटेस्टेड। जैसे कि हमने अभी बताया आप लोगों को कि कंस्ट्रक्शन कहाँ पे प्लेस लेता है, जहाँ पर किसी स्टेट्यूट या लॉ की जो मीनिंग है वो कंटेस्टेड है। दोस्तों, जहाँ पर किसी लॉ की मीनिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पर हमें उस वर्ड को इंटरप्रेट या कंस्ट्रक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मान लीजिए कोई ऐसा लॉ है जिसकी मीनिंग अनक्लियर है या कंटेस्टेड है, कंटेस्टेड कैसे, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो जो है अनक्लियर है, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा उस मीनिंग को क्लियर करने के लिए। तो ये तो रही बात कंस्ट्रक्शन की कि आखिर कंस्ट्रक्शन कहते किसे हैं। अब बात करते हैं हम स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन की, आखिर स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी स्टेट्यूट की जो वर्ड्स हैं वो अनक्लियर हैं, तो उस वर्ड को जो इंटरप्रेट किया जाएगा ना, वो उस लेटर के हिसाब से ही किया जाएगा, ना कि उसके पीछे की जो मीनिंग होगी उसको फाइंड आउट करके किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स की पिछली वीडियोस देखी होगी, तो उसमें हमने बताया था कि जब किसी स्टेट्यूट की कोई टेक्स्ट या वर्ड अनक्लियर होते हैं, तो जजेस उस वर्ड के लॉजिकल मीनिंग देखते हैं। कितनी बार क्या होता है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लेटर क्या कहना चाह रहा है, बस उसका लॉजिकल मीनिंग क्या आ रही है, उस मीनिंग को देखते हुए उस वर्ड को इंटरप्रेट कर देते हैं। पर बात अगर हम करें स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन की, तो इस कंस्ट्रक्शन में या इस इंटरप्रिटेशन में जजेस जो हैं उस लेटर की हिसाब से ही उस स्टेट्यूट को इंटरप्रेट करते हैं, ना कि के उसके पीछे की स्पिरिट को ढूंढते। ए जज हैज़ टू अप्लाई द टेक्स्ट ओनली एज इट इज रिटन इन द स्टेट्यूट। यानी कि एक जज को अगर स्टेट्यूट को इंटरप्रेट करना है, तो वो जो टैक्स दे रखा है वहाँ पर, उसी के बिहाफ से उसको इंटरप्रेट करेंगे, ना कि के अदर से लॉजिकल मीनिंग लगाकर। व्हेन देयर इज क्लियर मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट देयर विल बी नो स्कोप फॉर एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द सेम। यानी कि दोस्तों, जहाँ पर किसी स्टेट्यूट की जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर है, जहाँ पर कंटेस्टेड नहीं है, जहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, तो वहाँ पर किसी भी तरह की फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ इसमें बताया गया है कि जब किसी
स्टेट्यूट को इंटरप्रेट किया जाएगा या ये कहें कि स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो जजेस जो होंगे वो लिटरल रूल को यूज़ करेंगे। दोस्तों अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लिटरल रूल किसको कहते हैं, तो इंटरप्रिटेशन के लिटरल रूल पर हमने एक वीडियो बना रखी है, आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर इधर आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं। तो ये तो बात थी कंस्ट्रक्शन की और स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन की। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पिनल स्टेट्यूट, यानी कि पिनल स्टेट्यूट में स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का क्या रोल है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर पिनल स्टेट्यूट्स किसे कहते हैं। दोस्तों टॉपिक है हमारा स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पिनल स्टेट्यूट्स। हमने कंस्ट्रक्शन समझ लिया, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन समझ लिया। अगर हमने पिनल स्टेट्यूट नहीं समझा तो टॉपिक हमारा अधूरा रह जाएगा, इसलिए हमें पिनल स्टेट्यूट पहले अलग से समझना पड़ेगा। तो पिनल स्टेट्यूट किसे कहते हैं, वो स्टेट्यूट्स जो उसके किसी प्रोविजन को वॉयलेट करने पर पेनल्टी डिसाइड करते हैं, जैसे कि हमारा आईपीसी। यानी कि दोस्तों अगर सीधे शब्दों में बताया जाए तो ऐसे स्टेट्यूट्स जिसके प्रोविजन के वॉयलेशन पर पनिशमेंट दी जाती है या पेनल्टी दी जाती है, तो हम ऐसे स्टेट्यूट्स को पिनल स्टेट्यूट्स कहते हैं। इट इज़ अ रूल ऑफ लॉ दैट सच स्टेट्यूट्स मस्ट बी कंस्ट्रूड स्ट्रिक्टली। यानी एक लॉ का रूल है कि ऐसे जो स्टेट्यूट्स हैं अगर उसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, उनको कंस्ट्रूड किया जाएगा, तो वो स्ट्रिक्टली किया जाएगा। इसलिए पिनल स्टेट्यूट्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड होते हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पिनल स्टेट्यूट्स। तो अगर आपसे पूछता है बाई चांस कि इस टॉपिक का नाम स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पिनल स्टेट्यूट क्यों पड़ा, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी समझा सकते हैं। अब पकड़ते हैं हम अपने टॉपिक को, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पिनल स्टेट्यूट्स। तो दोस्तों जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि ऐसे स्टेट्यूट्स जो किसी पे पेनल्टी इम्पोज करते हैं उनको पिनल स्टेट्यूट कहते हैं, और उनका जो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा वो स्ट्रिक्टली किया जाएगा। आगे इसी में समझते हैं कि जब पिनल स्टेट्यूट में कोई ऐसा टेक्स्ट, कोई वर्ड, कोई भी सेंटेंस आ रहा है जिसकी मीनिंग अनक्लियर है या जिसकी मीनिंग कंटेस्टेड है, तो उसमें जब कोई इंटरप्रिटेशन किया जाएगा या फिर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो वो कहलाएगा स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पिनल स्टेट्यूट्स। मान लीजिए कि आईपीसी में कोई एक ऐसा वर्ड है जो अनक्लियर है, या ये कहें कि उस पर कंटेस्ट किया जा सकता है, वो शब्द विवाद में है, तो उस वर्ड को कंस्ट्रक्ट करके या इंटरप्रेट करके उसकी जो जनरल मीनिंग बताई जाएगी, इस प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पिनल स्टेट्यूट्स। दोस्तों इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो जनरल इंटरप्रिटेशन होता था, जैसे कि हमने पीछे बताया कि उसमें अगर कोई वर्ड अनक्लियर है तो जजेस उस वर्ड की पीछे की मीनिंग यानी कि लॉजिकल मीनिंग निकाल कर उस स्टेट्यूट को क्लियर करते थे या इंटरप्रेट करते थे। पर स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो जो वर्ड अनक्लियर है हमें उस वर्ड से अलग नहीं जाना है, उस लेटर से अलग नहीं जाना है, हमें उसी लेटर को पकड़ कर उस वर्ड को क्लियर करना है, इसीलिए इस कंस्ट्रक्शन का नाम रखा गया है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। इसी में हम अगर आगे देखें, इफ देर आर टू रीजनेबल कंस्ट्रक्शन वी मस्ट गिव द मोर लीनियंट वन। यानी कि जहाँ पर किसी एक वर्ड के दो कंस्ट्रक्शन निकल रहे हैं, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन निकल रहे हैं, तो हम जो जाएंगे सबसे लीनियंट वाला जो होगा, यानी कि जो सबसे फेवरेबल होगा, जो सबसे उचित होगा, उस वर्ड से सिमिलर होगा, हम उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, ना कि के दूसरे वाले को। अब अगर हम बात करें तो हमने कंस्ट्रक्शन समझा, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन समझा, पिनल स्टेट्यूट समझा, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पिनल स्टेट्यूट्स या लॉ समझा। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस कंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों हम पिनल स्टेट्यूट के लिए स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन लेकर आए जबकि कि हमारे पास पहले से ही इंटरप्रिटेशन था। तो अगर हम इसके बात करें ऑब्जेक्ट की, दिस मेथड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जजेस विल नॉट मेक एनी रॉन्ग इन्फेरेंसेज फ्रॉम स्टेट्यूट्स एंड विल नॉट गो आउट फ्रॉम द लेटर ऑफ द लॉ एंड द जजमेंट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द टेक्स्ट ऑफ द स्टेट्यूट्स। यानी कि जैसे अभी हमने बताया आप लोगों को कि जब इंटरप्रिटेशन किया जाता था किसी स्टेट्यूट को, तो जजेस जो थे उस वर्ड की लॉजिकल मीनिंग निकाल कर सामने रख देते थे। तो इस कंस्ट्रक्शन को लाने का मतलब यही था, या मेन रीज़न यही था इस मेथड को लाने का, क्योंकि ये जो बेस्ड होगा, जो प्योरली बेस्ड होगा टेक्स्ट के ऊपर, जो टेक्स्ट जो है, जो लेटर जो है वो अनक्लियर है, उससे बाहर नहीं जा सकते आप, आपको उसी पे बेस्ड रहना पड़ेगा। और जजेस जो होंगे
वो रॉन्ग इन्फेरेंसेज नहीं दे सकते, यानी कि किसी स्टेट्यूट्स में कोई अपनी तरफ से, अपनी मनमर्जी की तरफ से कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते किसी वर्ड को, उन्हें उस लेटर पे ही बेस्ड रहना पड़ेगा। फर्दर रीड करते हैं, दिस अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ बाय गिविंग इम्पोर्टेंस टू द लेजिस्लेचर दैट पासिस द लॉज। यानी कि इसकी अगर हम बात करें इस मेथड की, इस कंस्ट्रक्शन की, तो ये जो है लेजिस्लेचर को इम्पोर्टेंस देता है। वो कैसे देता है तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों मान लीजिए ए नामक एक स्टेट्यूट है, इसमें कोई वर्ड, कोई लेटर अनक्लियर है और जजेस के पास में पावर है उस वर्ड को इंटरप्रेट करने की। तो जजेस ने क्या किया, उस वर्ड को इंटरप्रेट कर दिया। और इंटरप्रेट कैसा किया, उसकी लॉजिकल मीनिंग को देखते हुए उन्होंने उसको वर्ड को इंटरप्रेट कर दिया। यहाँ पर लेजिस्लेचर ने जो वर्ड यूज़ किया था वहाँ पर, हो सकता है वो रिप्लेस कर दिया, या फिर उसकी जो मीनिंग थी अब जजेस ने उसे अपने लॉजिक के बिहाफ पर चेंज कर दी। पर अगर हम बात करें स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की, तो जो वर्ड यहाँ पर अनक्लियर है, जजेस जो हैं अगर उस वर्ड को इंटरप्रेट करेंगे तो वो उस वर्ड की मीनिंग में ही रहकर करेंगे, उसकी लॉजिकल मीनिंग पे जाकर उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, जिसने वो वर्ड यूज़ किया था उस लॉ को पास करते वक्त या फिर बनाते वक्त, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी गरिमा बनी रहेगी। तो यही मेन रीज़न था, यही ऑब्जेक्ट था स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन को लाने का। अब हम बात करते हैं इसमें एक केस लॉ की। तो केस है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस अंबे सीमेंट्स, 2005 का ये केस है। इस केस में बताया गया था कार्डियल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट्यूट, कोई पर्टिकुलर एक्ट किसी प्रिस्क्राइब मैनर में इंटरप्रेट किया जा सकता है या बना हुआ है, तो उसको किसी अदर वे में या किसी अदर परफॉर्मेंस में, किसी अदर मैनर में इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। ये साइटेशन दी गई थी इस केस लॉ में। जैसे कि हमने अभी पीछे बताया कि अगर कोई वर्ड, कोई मीनिंग क्लियर है, कंटेस्टेड नहीं है, तो उसको रिप्लेस करने की, उसको इंटरप्रेट करने की, उसको कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी वीडियो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पिनल स्टेट्यूट्स या लॉज के ऊपर। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने अपना एक नया चैनल बनाया है UGC नेट क्लासेस के बारे में, तो आप लोग एक बार उस YouTube चैनल पर जाकर जरूर देखें। साथ ही साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।